नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक के ही एक अगले टाइप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि दोनों सुइयों के मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे, अर्थात कोण की मदद से हम दोनों सुइयों के मध्य की दूरी निकालेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि किस समय में दोनों सुइयों के मध्य का कोण इतना होगा और वो कोण हमें प्रश्न में दिया होगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हम पिछले क्लास में यानी क्लॉक के ही अन्य दो टाइप जो पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले टाइप में हमने पढ़ा था कि जब दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे, उसका फार्मूला ये है कि थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m अपान 2, जहाँ पे h का मान हम घंटे वाली सुई का मान रखते थे और m की जगह हम मिनट वाली सुई का मान रखते थे। इस प्रकार से दोनों सुइयों के मध्य का कोण हम निकाल पाते थे। अब देखिए, अगला टाइप था जिसमें दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब से संबंधित, जिसमें अगर आपको लंबवत दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता था तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे कि टाइम बराबर 12 बजे में आप समय को घटा दो, या 11:60 में दिए गए समय को घटा देते हैं तो वहाँ पर लंबवत दर्पण प्रतिबिंब निकल के आ जाता है। और हमने देखा था कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो या जल प्रतिबिंब समय निकालना हो तो हम 18:30 में यानी 6:30 में क्या घटा देते थे, दिया हुआ समय को घटा देते थे। इस प्रकार से लंबवत दर्पण प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब हम निकाल पाते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें घंटे वाली सुई की बात करें तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, वहीं मिनट वाली सुई कितना बनाती है, एक मिनट में 6 डिग्री को कोण बनाती है। और एक मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री बनाएगी। हम कैसे निकालते थे कि 12 घंटे में अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। वहीं पे 60 मिनट में यदि 360 डिग्री का कोण बनाती है कौन, मिनट वाली सुई, तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इतना हमने जाना पिछले कुछ वीडियोज में। और आज हम जानेंगे कि दोनों सुइयों के मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे, यानी प्रश्न कुछ इस तरह का होगा कि 4 व 5 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयों के बीच 6 मिनट का अंतराल होगा, यानी एक समय अंतराल दिया जाएगा आपको। समय अंतराल का मतलब क्रमिक समय के बीच की दूरी पूछेगा वो, 4 व 5 बजे के बीच। अब यहाँ से लेकर के 4 व 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब इस 6 मिनट का अंतराल बोला है तो 6 मिनट के अंतराल को हम किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। और डिग्री में बदलने पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच को जो डिग्री निकलेगी, कोण निकलेगा, हम उसको इस फार्मूले में रखेंगे। इस तरह के कुछ सवाल लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। तो बताइए कि 12:40, चलिए एक सवाल है कि 12:40 का आप क्या निकालो, दर्पण प्रतिबिंब निकालो। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और यहाँ पे जल प्रतिबिंब क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, दर्पण प्रतिबिंब की, जब सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। और लंबवत दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, टी बराबर कितना घटाते हैं, 12:00 यानी 12 बजे घटा दो, या 11:40 में आप किसको घटा दो, समय को घटा दो, कुछ ऐसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 11:40 में हम कितना घटाएंगे, 11:60 में हम 12:40 घटाएंगे। अब ये घट नहीं रहा है, प्रॉब्लम कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब हम निकालते हैं तो 11:60 में घटाते हैं किसको, 12:40, अब ये घट नहीं रहा है, प्रॉब्लम आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों, हम इसको, हमने कल बताया था जब भी आपका 12 समय दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0:00, यानी 12:40 को हम क्या लिख सकते हैं, 0:40। इस प्रकार से हम इस 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 0:40। अब इसको माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पे आया कितना, 20 और यहाँ पे आया 11,
यानी आंसर हमारा क्या निकल कर आया, 11:20, किसका 12:40 का लंबोदर पर प्रतिबिंब निकल के आया 11:20। वहीं पे अगर हम जल प्रतिबिंब निकालना हो तो टाइम बराबर हम क्या करते हैं 18:30 में दिया हुआ समय हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। इस प्रकार से समय निकलेगा हमारा 18:30 और यहाँ हो जाएगा 12:40। माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस करने पर ये जाएगा इधर 1 घंटा और ये 60 जुड़ेगा इसमें, 60 30 90 हो जाएगा और 90 में 40 घटाने पर कितना बचेगा 50 बचेगा। अब यहाँ से देखो ये बच जाएगा कितना आपका 17, क्योंकि एक इधर जा चुका है तो 17 में 12 घट जाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 5:50 इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा किसका 12:40 का। अब आप गणित लगा रहे होगे कि सर जी 12 में सुई तो ऐसे होगी तो इसका उल्टा तो 6 बजना चाहिए। नहीं, जब आप कितना 12:40 करते हो तो ये घड़ी कुछ ऐसे होगी, यानी 12 और 1 के बीच में होगी, यहाँ पे 12 होगा यहाँ पे 1 होगा और ये सुई इतना होगी। और इसका जल प्रतिबिंब जब निकालना होता है तो ये सुई कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, घंटे वाली सुई कैसे जाएगी ऐसे जाएगी और ये 3 4 5 यानी कुछ 5 के आसपास रहेगी, तो 5:50 होगा इसका जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा कुछ रिवीजन और हम अब जानेंगे जो आज पढ़ने वाले हैं, यानी दोनों सुइयों के मध्य की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि m बराबर m जहाँ पे क्या है दूरी है 2/11 30 h1±θ, जहाँ फिर m जो निकलेगा तो m की मदद से हम समय निकाल लेंगे, यानी t बराबर h1 और m का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। अब देखो जहाँ पे m बराबर तो आपको पता है चल गई दूरी, यानी दोनों सुइयों के मध्य की दूरी निकालते हैं। दूरी से तात्पर्य है कि उन दोनों सुइयों के मध्य मिनट निकालते हैं कि कितने मिनट का अंतराल है। अब देखो दोस्तों h1 क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है 4 और 5 बजे के बीच, तो यहाँ पे जो पहला घंटा होता है कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो दो क्रमिक समय के बीच पूछा जाएगा, यानी 4 से 5 बजे के बीच या 8-9 बजे के बीच या 7-8 बजे के बीच, इस प्रकार से जो पहला समय होगा वो हमारा क्या होगा h1 होगा। और थीटा का मान तो आप जान ही लेते हो कि दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण बन रहा है, तो वो हम कहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे। तो चलिए सवाल कुछ इस तरह का है कि 4 व 5 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयों के बीच 6 मिनट का अंतराल होगा। 6 मिनट का अंतराल का मतलब है कि दोनों सुइयों के बीच कितना मिनट होगा दूरी, 6 मिनट का दूरी होगा, 6 मिनट की दूरी होगी। पर ये 6 मिनट की दूरी तो हमें यहाँ पे दिया नहीं कहीं, दूरी तो हमें निकलना है, तो ये जो होता है बेटा ये होता है दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब कोण हमें कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है क्या पता है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूम जाती है 6 डिग्री घूम जाती है, तो वहीं पे 6 मिनट में कुल कितना घूम जाएगी, 6 मिनट में कुल कितना घूम जाएगी, तो 6×6=36 डिग्री घूम जाएगी। यानी हमें यहाँ से क्या मिला, थीटा का मान मिला, यहाँ से हमें क्या मिला थीटा का मान मिला। और h का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का मान आपका हो जाएगा कितना 4। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि h1 का मान वो होता है जो प्रश्न में दिया गया पहला समय होता है। अब यहाँ पे 4 व 5 बजे में 4 आपका क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा, क्योंकि यही पहला समय है। अब इसको हम फार्मूले में रखते हैं, यानी फार्मूला कुछ इस तरह का है, m बराबर कितना 2/11 अब 30 × h1 का मान क्या निकला यहाँ पे 4 है, h1 का मान कितना है 4 है, और प्लस माइनस थीटा का मान यहाँ पे क्या निकला, यानी थीटा का मान हमारा निकल आया 36 डिग्री। यानी इन दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना कोण होना चाहिए 36 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए 36 डिग्री रख देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी 2/11 यहाँ से 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 0, यानी कितना हो जाएगा 30×4 120 हो जाएगा और प्लस माइनस 36 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ तक हमने साल किया। अब हम देखेंगे कि एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि ऐसे दो समय आएंगे 4 और 5 बजे के बीच, जब दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 36 डिग्री होगा, या दोनों सुइयों के बीच का अंतराल कितना होगा? 6 मिनट का होगा। तो चलिए, एक समय आपका किधर निकलेगा? जब आप प्लस करते हो, जब आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेते हो, तो घंटे वाली सुई के आगे म का मान आएगा, क्या? एम का मान। और जब आप माइनस वैल्यू लेते हो तो घंटे वाली सुई के पहले का मान आता है, यानी कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है? यानी इन दोनों के बीच 4 बज करके कुछ यहाँ होगा, ये भी आपका कितना होगा? 36 डिग्री होगा। तो चलिए, वो समय कब कितना आएगा? अभी तो हमने अनुमान लगाया कि कुछ इस तरह का समय आएगा, तो चलिए देखते हैं वो समय क्या आएगा। हम लेते हैं पहले प्लस वाली वैल्यू, ठीक है? तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 2/11, यहाँ से 120 प्लस 36 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें, 2/11, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 120 प्लस 36, यानी 6 × 3 = 5, और यहाँ से हो गया 156। 156 × 2 करोगे क्या मिलेगा हमें? 156 × 2 करोगे तो 2 × 12 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? 2 × 12 और 2 × 5 = 10, 11, और 2 × 1 = 2, 1, 3 / 11, ठीक है दोस्तों? अब इसमें 312 में 11 का भाग देते हैं, क्या निकलेगा हमारा? 312 में 11 का जब भाग देते हैं तो 11 × 2 = 22, बचेगा कितना यहाँ से? 9, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 11 × 8 = 88, यानी यहाँ से बचेगा कितना? 4, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 11 × 33, बचेगा कितना? 7 बच जाएगा, 0, 11 × 6 = 66, ठीक है? 66, ठीक है? इस प्रकार से फिर 4 बच जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे 28.36 कुछ मिनट आ जाएगा। हमारा समय क्या निकल के आया कि M का मान हो जाएगा आपका 28.36 मिनट। अब ये तो आया M, यानी इन दोनों कुर्सियों के बीच, तो देखते हैं समय क्या हो जाएगा हमारा। समय हो जाएगा 4 बज करके, हमने यहाँ पे क्या लिखा था? समय बराबर हो जाएगा H1, और यहाँ पे हम किसका मान रख देते हैं? M का मान रख देते हैं। तो 4 बज करके 28.6 मिनट, देखा दोस्तों क्या निकल कर आया हमारा समय? समय हमारा निकल कर आया 4 बज करके 28.36 मिनट। अब 4 बज करके 28.36 मिनट में क्या हो जाएगा? 36 डिग्री का कोण बनेगा, या इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 मिनट की होगी। क्यों? सुई आपकी कुछ यहाँ पे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो सुई आपकी अगर ये 28 मिनट में है, यानी 25, 26, 27, 28, ठीक है? यानी ये वाली सुई आपकी कहाँ पे होगी? ये वाली सुई आपकी यहाँ पे होगी, और 4 वाली कहाँ पे होगी? यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे होगी। इस प्रकार से इन दोनों सुइयों के बीच 6 मिनट का अंतराल होगा, या 36 डिग्री का अंतराल होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए हम अब माइनस वाला करके देखते हैं, ठीक है? चलिए माइनस लेकर के देखते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा आपका? एम बराबर 2/11, और यहां से क्या होगा? 120 माइनस 36, ऐसा कुछ बन के आया। अब देखेंगे 2/11 माइनस करो कितना हो जाएगा? 10 में 6 = 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 में 3 = 8, 84 बना। अब इस 84 को किस में गुणा करोगे? 2 से गुणा करेंगे, तो 2 × 8, 2 × 8 = 16, और 1/11 क्या निकल के आएगा? 11 × 11, 168 में 11 का भाग देंगे, यानी 11 × 11, 5 बचेगा, 11 × 5 = 55, 3 बचेगा, और 11 × 2 = 22, 8 बचेगा, 11 × 7 = 77, यानी हमारा मिनट कितना आ गया? 15.27 मिनट। टाइम हम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 4 बज करके
4:27 पर दोनों सुइयों के बीच कुल कितना अंतराल होगा? 6 मिनट का अंतराल होगा या 36 डिग्री की दूरी होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा। चलिए इस देखते हैं दोबारा कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 6 मिनट का अंतराल होगा। तो हम क्या करेंगे, m बराबर 2/11 30H1 प्लस माइनस थीटा। अब थीटा का मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 6 मिनट में 36 डिग्री का कोण बनाएगी। वहीं पे H1 का मान हो जाता है हमारा 4। हम इस फार्मूले में रखेंगे, फार्मूले में रखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार हम प्लस वैल्यू लेते हैं, जब आप प्लस वैल्यू लेते हो तो क्या होता है, दोनों सुइयों के मिलने के बाद का समय आता है, यानी जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में मिल चुकी होती हैं उसके बाद का समय निकल कर आता है। कब? जब आप प्लस वाली वैल्यू लेते हो। देखिए, जब प्लस वाली वैल्यू लेते हो तो हमारा समय निकल कर आया कितना, 28.36 मिनट आया, जहां पे हम टाइम बताएंगे 4:28.36। और 4:28.36 में दोनों सुइयां एक बार मिल चुकी होती हैं और मिनट वाली सुई कहाँ आगे पहुंच जाती है, मिनट वाली सुई आगे निकल जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लस वाली वैल्यू लेने पर दोनों सुइयों के मिलने के बाद का समय निकल कर आता है। वहीं पर अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो वो समय निकल के आता है जब घंटे और मिनट वाली सुइयां नहीं मिली होती हैं, यानी मिलने से पहले का समय निकल कर आता है। देखिए, मिनट वाली सुई अभी यहाँ पे है, घंटे वाली सुई यहाँ पे है, तो ये आपस में नहीं मिल रही हैं, अभी नहीं मिल रही हैं, यानी मिलने से पहले का समय है, मिलने से पहले का समय निकल कर आता है। तो यहाँ से कितना निकल कर आया, 15.27 मिनट। और ये हमारा मिनट यानी दूरी निकली, और इस दूरी को हम समय के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आ जाता है, समय निकल कर आ जाता है, यानी 4:15.27। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे दो समय निकले जब दोनों सुइयों के मध्य 6 मिनट का अंतराल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं इसी का। देखिए, अगला सवाल है, 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होगी। यानी सवाल तो आपका समझ में आ ही गया होगा कि हमें वो समय निकालना है जब दोनों सुइयों के बीच कब दूरी कितनी हो, 15 मिनट की हो, यानी 15 मिनट का अंतराल हो। तो चलिए उसी फार्मूले में रखेंगे, यानी हमें निकालना होगा पहले मिनट, तब जा करके हमारा समय निकल पाएगा। और मिनट का फार्मूला क्या है, 2/11 30 H1 प्लस माइनस थीटा। अब हम रखेंगे जहां पे H1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, H1 का मान आ जाएगा हमारा 7, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हमारा यहां से निकलेगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कुल कितना, 15×6=90 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ से निकला हमारा क्या, थीटा। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2/11 और 30 H1 का मान हो जाएगा 7 प्लस माइनस थीटा का मान हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम 2/11 यानी 7×21 210 प्लस माइनस 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार हम क्या लेते हैं, प्लस वैल्यू लेते हैं, और जब प्लस वैल्यू लेते हैं तो सुइयों के मिलने के बाद का समय निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, m बराबर 2/11 प्लस वैल्यू लेंगे। अब जब प्लस वैल्यू लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हमारा आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब m बराबर क्या जाएगा, 3×2 6 यानी 600/11। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हम क्या पाएंगे, यानी 600 में जब 11 का भाग देंगे तो 11×55, यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा, 0 आ गया, 11×4=44 बचेगा, क्या हमारा कितना बचेगा, यानी यहाँ से बच जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा मिनट का समय आ गया कितना, 54/6/11 मिनट इतना आ गया, यानी m बराबर आ गया 54 सही
6:11। ठीक है, अब चलो देखते हैं, क्या देखते हैं कि टाइम क्या होगा हमारा। तो टाइम हो जाएगा आपका H1 का मान लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके आगे M का मान लिख देंगे, यानी 54:6/11 M। ये हमारा निकल के आया समय। कब समय निकल के आया? जब दोनों सुइयों के मिलने के बाद का समय आता है, जब प्लस वैल्यू लेते हैं। वहीं पे जब हम माइनस वैल्यू लेते हैं, तो जब माइनस वैल्यू लेते हैं तो सुइयों के मिलने के पूर्व का समय निकलता है। तो चलिए M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा 2/11। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 210 माइनस 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/11 यहाँ से निकलेगा क्या? 210 में 90 घटाओ, क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से बच जाएगा 2, यानी 120 निकल के आया। और 120 × 2 क्या हो जाएगा? 240/11। अब 240 में हम किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे, यानी 240 में जब 11 का भाग देते हैं तो 11 × 2 = 22 बचेगा यहाँ से 2, 0। अब यहाँ से 11 × 11 यानी बचेगा यहाँ से 9। अब समय मिनट हमारा निकल के आता है 21:09/11, यानी यहाँ पे मिनट हमारा निकला कितना? 21:09/11। अब इस मिनट को हम समय के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा निकल आता है क्या? समय। हमारा क्या निकल आता है? समय। इस प्रकार से हमने देखा कि 7 और 8 बजे के बीच कब 7:54:06/11 में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 15 मिनट की होगी। और एक समय और निकला जो कि है 7:21:09/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होगी? 15 मिनट होगी, या कहें दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल है, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 75 डिग्री का अंतराल होगा? यानी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट थीटा का मान दे रखा है। हम उसी फार्मूले पे रखते हैं, एम बराबर 2/11 30 H1 ± थीटा। चलिए 2/11 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। H1 का मान हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। तो 4 ± थीटा का मान हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 75 डिग्री लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? 2/11 यहाँ पे 4 × 12 और प्लस माइनस थीटा। एक बार हम क्या लेंगे? प्लस वैल्यू लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/11 और जब 120 में हम 75 जोड़ते हैं तो निकल के आ जाता है क्या? 195। अब इस 195 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 1 = 19, 2 × 1 = 3 / 11। अब इस 390 में जब आप 11 से भाग देते हो तो क्या हमें मिलता है? 11 × 33 बचेगा कितना? 6, यहाँ से 0, 11 × 5 = 55 बचेगा 5, यानी हमारा मिनट निकल के आया कितना? 35:05/11। अब इसको हम समय में बदलेंगे। समय में बदलने के लिए 4:35:05/11। ठीक है, ये आपका समय आया। ठीक है, अगला समय क्या निकल कर आ जाएगा आपका? तो अगला समय निकल कर आ जाएगा जब हम माइनस वैल्यू लेंगे। तो माइनस वैल्यू लेने पर क्या मिलेगा? मिलेगा हमें 2/11। अब 120 - 75, देखिए सॉल्व करिए, 2/11 यहाँ से जब माइनस करेंगे तो बचेगा 5, ये हो जाएगा 1, यहाँ जाएगा 4। और इस प्रकार से हमने देखा यहाँ हमारा बिल मिल गया 45। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 45 में 2 का गुणा करो तो हो जाएगा 90/11। क्या करेंगे भाग दे लो तो 11 88 89 90, यानी 2/11 मिनट।
अब टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 4:08:11। यह हमारा समय आ गया। और इन्हीं दो समय में, इन्हीं दो टाइम्स में दोनों डिग्री के मध्य कुल कितना कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए, अब हम दोस्तों कुछ स्पेशल चीज़ें जानने वाले हैं कि सुइयों के मध्य कुछ विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं, वो कौन कौन सी बनती हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों सुइयों के मध्य तीन प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं, कौन कौन सी। एक संपाती या मिलने की स्थिति बनती है, दूसरी समकोण की स्थिति बनती है, और तीसरी विपरीत की स्थिति बनती है। कहने का मतलब, जब संपाती की स्थिति बनेगी तो सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी आपस में मिल रही होंगी। वहीं पे अगर हम समकोण की बात करें तो दोनों सुइयाँ 90 डिग्री का कोण आपस में बनाएंगी, तब हम क्या कहेंगे कि दोनों सुइयाँ समकोण की स्थिति में हैं। और जब हम कहें कि दोनों सुइयाँ कब आपस में विपरीत की स्थिति बनाएगी, यानी दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत होंगी, तो जब विपरीत की स्थिति पूछी जाती है तो उसमें दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी एक अगर आपकी सुई किधर होगी, इधर होगी, तो दूसरी सुई आपकी इधर होगी, यानी आपस में 180 डिग्री कोण बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि संपाती की स्थिति में या मिलने की स्थिति में दोनों सुइयाँ कुल कितना कोण बनाती हैं, तो कुल कोण बनाती हैं 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब ये स्थिति एक घंटे में कितनी बार बनेगी, यानी कोई समय अगर कह दिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच ऐसे कितनी बार स्थिति आएगी कि जब दोनों सुइयाँ आपस में मिल रही होंगी, तो एक घंटे में आपकी ये स्थिति, संपाती की स्थिति या मिलने की स्थिति केवल एक बार आती है। एक बार आती है, क्यों, समय तो दो बार निकलते हैं हर बार, कि जब दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतराल हो या 30 डिग्री का अंतराल हो, तब आपके हमेशा दो समय निकलते हैं। तो यहाँ पे एक घंटे में सिर्फ एक ही बार क्यों निकल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हम कह देते हैं कि 3 व 4 बजे के बीच कब आपस में दोनों सुइयाँ मिलेगी, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए m = 2/11, यहाँ से क्या हमें निकला, 30 × 3 ± थीटा मान क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो 0 डिग्री हो गया। तो m = क्या हो जाएगा, 2/11, यहाँ से 90 हो जाएगा ±0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम 0 रखते हैं तो हमें प्लस माइनस लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है, और हमारा समय सिर्फ एक ही निकलता है। कैसे, 90 हो गया, 9 × 2 = 18, 180 डिग्री हो गया, यानी 1/11। m = कितना हो गया, 180 में जब 11 का भाग देंगे तो 11 × 1 = 11, बचेगा कितना, 7, और 11 × 6 = 66, बचेगा कितना, 3/11। यानी हमारा समय निकल के आया क्या, 3:16:03। देखिए, सिर्फ एक ही समय निकला और दो समय नहीं निकले, दो समय आपके तब निकलते हैं जब यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है, और वैल्यू ऐसी होती है जो यहाँ से ना घटे। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 90 ही हो जाता तो 90 में 90 माइनस हो जाते, सिर्फ एक समय निकलता और वहाँ भी आपका क्या हो जाता, दो एक घंटे के अंतराल में एक ही बार समय निकल पाता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब संपाती की स्थिति पूछा जाए या दोनों सुइयाँ आपस में कब कितनी बार मिलती हैं एक घंटे में, तो आपका समय निकलता एक घंटे में सिर्फ एक बार निकल बनती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कह दें कि 12 घंटे में कितनी बार निकलेगी, तो 12 घंटे में यहाँ पे आपका 11 बार निकलती है। ऐसा क्यों, 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 एक घंटे में अगर एक बार निकलेगी तो 12 घंटे में 12 बार निकलनी चाहिए, पर यहाँ पे 11 बार क्यों निकलती है। तो चलिए हम जान लेते हैं वो समय कौन सा है, वो समय कौन सा है जब दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं। तो वो समय है आपका कब, 12 से 1 बजे के बीच स्थिति नहीं बनती है कि दोनों सुइयाँ आपस में मिले। क्यों, चलिए जान लेते हैं कैसे। मान लो ये घड़ी है, अब यहाँ पे दोनों सुइयाँ हैं फिलहाल, तो फिलहाल कितना बजा हुआ है, 0:00, ये तो कोई समय हुआ नहीं, पर जैसे ही कोई समय हुआ, यानी 1 सेकंड हुआ, तो ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ जाएगी और इस प्रकार से घंटे वाली सुई पीछे रह जाएगी, और ये पूरा राउंड जब लगाएगी तो ये घंटे वाली सुई 1 पे आ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12
12 बजे से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिल जा नहीं मिल पाती, और वही एक बार घट जाता है तो 12 घंटे में 11 बार हो जाता है। वहीं पे 24 घंटे में कुल कितनी बार बनाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 22 बार बनाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समकोण की स्थिति। देखिए, जब समकोण की स्थिति पूछा जाए तो क्या करोगे, आप बताओगे कि एक घंटे में, यानी समकोण की स्थिति में हम पहले क्या जानेंगे कि दोनों सुइयों के मध्य कुल कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो एक घंटे में कुल कितनी बार बनते हैं, दो बार बनते हैं। एक घंटे में दो बार समकोण की स्थिति बनेगी। वहीं पर 12 घंटे में कुल आपके बनते हैं, अगर ये एक घंटे में दो बार बनते हैं तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बननी चाहिए, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे में बनेंगे आपके 22 घंटे। ऐसा क्यों, तो वो कौन सा समय है जो घट जाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 व 9 बजे को छोड़कर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कि 3 और 9 बजे दो बार नहीं समकोण की स्थिति बनती है, तो चलिए देख लेते हैं। यानी m बराबर 2/11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 × 3 ± 90। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2/11, यानी हम देख रहे हैं 3 और 4 बजे के बीच। ठीक है, तो 2/11 30 × 90 ± 90, और यहाँ पे जब हम प्लस वैल्यू लेंगे तो समय निकलेगा, और जब हम माइनस वैल्यू लेंगे तो समय नहीं निकलेगा, क्योंकि 90 में 90 चले जाएंगे, 0 बच जाएगा, और 0 बच जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से सिर्फ एक ही टाइम निकलता है और दो बार नहीं निकलते हैं, इसीलिए एक बार यहाँ से घटता है और दोबारा आपका यहाँ से घटता है। यानी एक घंटे और एक घंटे, ये दो घंटे घट जाते हैं, और यहाँ पे 24 के बजाय बचते हैं कितने, 22 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम कि 24 घंटे में कुल कितनी बार बनाएगी। तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 24 घंटे में बनाएगी 22 × 44 बार। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे विपरीत की स्थिति। चलिए देखते हैं कि विपरीत की स्थिति, यानी दोनों सुइयां आपस में कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, और विपरीत की स्थिति में क्या होगी, एक सुई आपकी इधर होगी तो दूसरी सुई आपकी इधर होगी। इस स्थिति में दोनों के बीच थीटा कुल कितना हो जाता है, 180 डिग्री होती है। तो ऐसी कंडीशन एक घंटे में एक बार बनेगी, और वहीं 12 घंटे में आपकी कुल कितनी बार बनेगी, 11 बार बनेगी। तो वो कौन सा समय है जब एक बार नहीं बनती है, तो वो आपका समय है 6 व 7 बजे के बीच। ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, तो 24 घंटे में कुल कितनी बार बन जाएगी, तो 24 घंटे में आपकी बन जाएगी कितनी, 11 × 2 = 22 बार। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि संपाती की स्थिति पूछे या मिलने की स्थिति पूछे तो हम एक घंटे में एक बार निकालेंगे, और 12 घंटे में 11 बार निकलती है, 24 घंटे में 22 बार निकलती है। वहीं संपूर्ण की स्थिति पूछे तो थीटा का मान हम 90 लिखेंगे, और एक घंटे में ऐसी कंडीशन दो बार बनती है, 12 घंटे में 22 बार बनती है, और 24 घंटे में कितनी बार बनती है, 44 बार बनती है। वो समय कब कौन सा है जब स्थिति एक एक बार नहीं बनती है, तो वो है आपका एक समय आ जाता है 3 बजे नहीं बनती है, और एक समय आ जाता है आपका 9 बजे नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे विपरीत की स्थिति। तो विपरीत की स्थिति में थीटा हो जाता है 180 डिग्री, वहीं एक घंटे में एक बार ये कंडीशन बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनती है, और 24 घंटे में 22 बार ये कंडीशन आती है। ठीक है, अब हम कुछ जानेंगे स्पेशल चीज़ जिसमें पाएंगे कि देखिए सवाल है 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां परस्पर विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब है कि दोनों सुइयों के बीच थीटा कुल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला क्या है हमारा, m बराबर 2/11 30 h1 ± थीटा। हम क्या करेंगे, h1 का मान यहां से 2 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 2/11 30 h1 का मान 2 रखेंगे ±180 डिग्री। अब एक बार प्लस वैल्यू लेंगे,
है ना, तो m बराबर हो जाएगा 2/11 और 30 × 60 प्लस वैल्यू 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं 2/11, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 में 180 जोड़ो कितना हो जाएगा 240, 240 यानी 8 × 6 = 14, 1 × 1 = 2। अब यहाँ से हमें क्या मिला, 240 × 2 तो 24 × 2 = 48, 480/11, 480/11। अब सॉल्व करते हैं तो m बराबर हो जाएगा, जब 480 में किसका भाग देते हैं, 11 का भाग देते हैं, तो मिलता हमें 11 × 44, बचेगा कितना 4, और यहाँ से 0, यहाँ से 0, फिर 11 × 33, बचेगा कितना 7। इस प्रकार से समय हमारा निकला कितना 43 सही 7/11 मिनट। समय हमारा कितना हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 2:43 सही 7/11 मिनट। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि 2 से 3 बजे के बीच यानी सिर्फ 1 घंटे का अंतराल पूछ रहा है, और 1 घंटे के अंतराल में आपकी विपरीत की स्थिति यानी दोनों सहयोग के मध्य 180 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनता है। तो हमारा एक समय निकल आया है 2:43 सही 7/5 11 मिनट। अब हमें दूसरा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में एक बार स्थिति ये बनती है और दूसरा समय नहीं निकल सकता है। अगर हम निकालेंगे भी तो हमें वहाँ से 0-0 प्राप्त होगा और हमें समय नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम समय न बर्बाद करें, हम सिर्फ यहाँ से एक ही समय निकालेंगे जो कि प्लस वैल्यू से यानी सुइयों के बीच क्या सुइयों के मिलने के बाद का समय निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं माइनस वैल्यू लेने पर, यानी माइनस वैल्यू लेने पर तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2/11 और 30, h का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 180 यानी यहाँ हमें क्या लेना है, माइनस वैल्यू लेनी है। तो m बराबर हो जाएगा कितना 2/11, 30 × 60 माइनस 180। अब यहाँ से m बराबर हो जाएगा 2/11 और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यानी हमें मिलेगा यहाँ से माइनस 120। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस वैल्यू आ गई है, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाए तो हम उसको 360 से घटा कर लिखते हैं। देखिए नोट आप करिए, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए कि यदि यदि ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट बोले तो इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या आए, माइनस आए, आपके वैल्यू माइनस में आ रही हो तो हम उसको किससे घटा के लिखते हैं, 360 से घटा के लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 360 से घटा करके लिखते हैं। और यदि आपकी वैल्यू 360 प्लस आ जाए किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसको क्या करोगे, इस 360 से ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आप क्या करोगे, घटा के लिखोगे। ठीक है दोस्तों, यानी हमने क्या देखा कि अगर माइनस वैल्यू आ जाए, यहाँ पे आप कर दो निगेटिव, यहाँ पे आप लिख लो निगेटिव, तो आप इस निगेटिव को क्या करोगे, घटा के लिखोगे। और अगर आपकी प्लस वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 360 प्लस वैल्यू जो आई है उसको आप 360 जब आपकी वैल्यू 360 प्लस आ जाए तो इस 360 प्लस वैल्यू से आप क्या करोगे, 360 को घटाओगे। ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस वैल्यू आ गई है, और हम इस कंडीशन में पाते हैं कि 2/11 तो इसे किससे घटाएंगे, 360 से घटा करके लिखेंगे। ठीक है, 360 से जब घटाते हैं तो क्या निकल कर आता है हमारे पास, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बचेगा 0, 6 में 2 गए तो बचेगा कितना 4, और यहाँ से कितना बच जाएगा 2, और इस प्रकार से हमें क्या मिला 240। और यहाँ पे भी देखो कितना निकल के आया था 240, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा वही मान निकलेगा यानी 43 सही 7/11, और टाइम हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 सही 43/7 सही 11। इस प्रकार से हमने क्या देखा
कि एक घंटे में दोनों सुइयों के बीच विपरीत की स्थिति सिर्फ एक बार बनेगी। तो यहाँ पे भी देखो आप लोग, हमने एक बार प्लस वैल्यू लिया तब भी आपका समय निकल के आया 2 सही 43 सही 60/11, और जब हमने माइनस वैल्यू लिया तब भी हमारा समय निकला 2 सही 43 सही 60/11। ठीक है, यानी इस पॉइंट को आप ध्यान दो कि यदि ब्रैकेट के अंदर निगेटिव वैल्यू आए, तो आप उसको 360 से घटाकर लिखोगे, और यदि आपके ब्रैकेट के अंदर 360 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो आप 360 से, यानी 360 से जो ज़्यादा वैल्यू आई है उसमें आप 360 को घटा करके लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, और आज के सेशन में हमने समझा कि दोनों सुइयों के मध्य जब कोण दिया हो तो हम समय कब समय कैसे निकालेंगे, और हमने जाना कि m बराबर यानी 2/11 30 h1 ± θ, इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू रखेंगे और वहां से हमें m निकलेगा यानी मिनट निकलेगा, और उस मिनट के साथ हम घंटा जोड़ देंगे तो हमारा समय निकल आता है। और हमने ये भी जाना कि समकोण की स्थिति कितनी बार बनेगी और विपरीत की स्थिति एक घंटे में कितनी बार बनेगी, और संपाती की स्थिति एक घंटे में कितनी बार बनेगी। जहां संपाती की बात आती है तो आपका थीटा कितना होता है, 0 हो जाता है, और ये 0 की कंडीशन एक घंटे में एक बार बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनती है, और 24 घंटे में वहीं कितनी बार बन जाएगी, 22 बार बन जाती है। ठीक है दोस्तों, और जब हम कहते हैं समकोण की बात तो एक घंटे में 2 बार बनती है और 12 घंटे में 22 बार बन जाती है, और इस प्रकार से 24 घंटे में 44 बार बनेगी। वहीं पर विपरीत की जब बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता है, और ये कंडीशन एक घंटे में एक बार बनेगी, 12 घंटे में 11 बार बनेगी, तो वो कौन सा समय है जब नहीं बनेगी, तो 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, तो वहीं 12 घंटे में 11 बार बन जाती है और 24 घंटे में 22 बार बन जाती है। और हमने जाना कि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाए तो उस माइनस वैल्यू को 360 से घटा करके लिखते हैं, और यदि ब्रैकेट के अंदर 360 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो इस 360 से ज़्यादा वैल्यू में 360 को घटा करके लिखते हैं। इस प्रकार से हमने इस टाइप को आज जाना, और हम अगले सेशन में अब जानेंगे कि जब हमारी घड़ी धीम होती है या तेज होती है तो सही समय कब आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे, और हमारी घड़ी कितनी तेज है या कितनी धीम है, आदि संबंधित सवालों के बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बने रहो युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।